पाप संसारों दा होया। आदम और तेसर गौरवा परमेश्वर द्वारा तनक बनाए सुंदर पीछे दे बहुत खुश थे। तनमू जकुएं भी लौतेना पहनो थे, तब भी इस बात दो तनमू जकुएं भी शर्मियों ना थे, क्योंकि संसारों दा पाप नहीं थे। से कबे कबे बगीचे दे घूमते डेय और परमेश्वर दो बात करो थे, क्योंकि ते बगीचे दा एक सांप थे, से हद चालू थे। तनिए तियों स्त्री दो पूछो, का सती परमेश्वर तुम दो ते बगीचे रे पेड़ दो फल खाने दो मना कर छाड़ो। तिये स्त्री उत्तर दिता, परमेश्वर हम दो बोलो कि हमें ते अच्छे और बुरे रे ज्ञान रे पेड़ दो लावा कुंजे भी पेड़ रा फल खा सको। परमेश्वर हम दो बोलो जे तुम्हें ते फल खाले या छुले तो तुम्हें मर जाओले। तनिया सापे स्त्री जवाब दिता, ए सती नहीं थी तुम्हें ना मरले, परमेश्वर जानो कि जे राही तुम्हें ते फल खाले तुम्हें परमेश्वर रे जेरे बन जाओले और तेसरे जेरे अच्छे और बुरे समझते लागले। ती स्त्री देखो कि से फल सुंदर था और मीठा देखियो था, से भी समझदार बनना चाहते, ऐरिताई तिये फल चोड़ो खा पिया, तबे तिये अपने पति से फल दीता और तेनिये ब खया। एकदम तेनरी आँख खुल गई और तेन पता लगा से नंगे हो। तेने पाचो एक किसा तीसिये तेनरे लौते बनाए, तेये अपने शरीर सौंखने कोशिश की, तबे मरद और तेसर गौर आए ते सबकी दे घूमदी बेरी परमेश्वर आवाज सुन, सहदू ने परमेश्वर द लुकी गोए। तबे परमेश्वर मर दख धाव दीती, तू कहता है, आदम जवाब दीता, मौ तुम्हें बगीचे दे घूमदी सुने और आ डर गोआ, क्योंकि यहाँ नंगा थिया, तबे ही यहाँ पूरा लुकिया। तबे परमेश्वर पूछो, तखे कुणिये बोलो कि तू नंगा है, का तो से फल खिया जिंदख मौ तखे ना कियो थियो। मर्द जवाब दीता, तुम्हें मुँह जो अस्त्र दीते हो ये मुँह से फल दीता। तबे परमेश्वर से अस्त्र पूछ, तुम ये जो कहा कि हो वो तीय अस्त्रिय बोलो, सांपे मुँह धोखा दीता। परमेश्वर सांप दो बोलो कि तू श्रापित है, तू अपने पेटे पहुँचा लेला और माटा चाटेला, तू और ये अस्त्र एक ही दूजे दो नफरत करो ले, तेरी औलाद और तेसरी औलाद एक ही दूजे दो नफरत करो ले, यो स्त्री संतान तेरो मुंड कची चल और तू तेसरी फैनी डोसेला। तबे परमेश्वर स्त्री दो बोलो, हाँ तेरी औलाद पैदा कर दी बेरी हद चैत लाउला, तू अपने पति दो इच्छा करल और सैतांग राज करोला। परमेश्वर आत्मा दो बोलो, तुम अपनी गौराई रो सुनो और मेरा आदेश नहीं माना, तब ही जमीन श्रापित हो और ता अनाज बोने के बद मेहनत करना पड़ेला, तब तू मरेला और तेरा शरीर माटेदा मिलला, तेनी मरदे अपनी गौराई रो नाव हवा छाड़ो, जिंदरा मतलब जीवन देने, कैंकि से बाधी जातिर अम्मा ओला और परमेश्वर आदम और हवे जानवर रे खालो रे लौते पहनावे। तबे परमेश्वर बोलो, एबे अच्छे और बुरे जानने दा माछ हमारे जेरा हो गुआ, ऐरिताई तेने तेस जीवन रे पेड़ रा फल नहीं खान देना पड़दा कि से सौदा जीवन दे रो। तबे परमेश्वर आदम और हवा तेस बगीचे दो बैंडे निकाय और परमेश्वर कभे भी जीवन रे पेड़ रा फल खाने दो रोकने रिताई बगीचे दा फल के द्वारों गए शक्तिशाली स्वर्गदूत बैठया। उत्पत्ति अध्याय 3:2-1 बाइबलर कहाना।